हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर और आज मैं आपको बताऊंगा स्केल्स और नोट्स के बारे में। मैंने जब से लेसन शुरू किए हैं, सबसे ज़्यादा इसी के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई हैं कि किसी भी सॉन्ग का हमें स्केल कैसे पता करना होता है, नोट्स कैसे पता करते हैं, कॉर्ड्स कैसे पता करते हैं। तो इसके लिए बेसिक म्यूज़िक को समझना ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़ है स्केल क्या होता है। जो बिल्कुल अभी सीखना शुरू कर रहे हैं उनको तो नोट्स के बारे में नहीं पूरा पता, उनका क्वेश्चन है ये स्केल क्या है, और उसके बाद कॉर्ड्स वगैरह, नोट्स वगैरह। तो सबसे बेसिक वे में आपको मैं बताता हूँ, सिंपल वे में। तो ये मेरा लेसन सभी के लिए है, चाहे वो गिटार सीख रहे हों, चाहे वो कीबोर्ड सीख रहे हों, चाहे वो सिंगिंग सीख रहे हों, उन सबको ये चीज़ समझ आएगी। कोई भी गाना आपके, जो भी आप सॉन्ग कर रहे हैं, उस सॉन्ग्स के जो भी नोट्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे उस गाने का स्केल बोलते हैं, वो उसका स्केल होता है। हर गाने का अपना एक स्केल होता है, क्योंकि सारे गाने अलग अलग होते हैं, उनका अलग फील होता है, तो एक अलग उसका कॉम्बिनेशन होता है स्वरों का, नोट्स का। तो जो भी गाना है उसका अपना स्केल है। अगर कोई गाना सी में है तो उसका जो सा होगा वो सी होगा, सा रे गा मा, ये सबसे पहले आते हैं मेजर स्केल, जिसमें सारे नोट आपके शुद्ध होते हैं। स्केल्स में भी अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, उससे हम उनके नाम डिसाइड करते हैं। सबसे पहले जो हम सीखते हैं वो मेजर स्केल होते हैं, जिसमें कि सारे नोट आपके शुद्ध होने चाहिए। तो अगर सी में कोई गाना है, सारे गम पदनी सा नी रप मगरे सा, मैं आपको थोड़ा कीबोर्ड पर दिखाना चाहूँगा। तो ये है आपका कीबोर्ड, इसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा थोड़ा सा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गिटार पे अप्लाई करेंगे या सिंगिंग पे या कीबोर्ड पे, बेसिक जो म्यूज़िक जो है वो सेम है, जो म्यूज़िक का थ्योरी है, जो उसका सिस्टम है वो सेम है सबके लिए। तो अगर आपका कोई गाना सी से है तो आपका सरगम जो पहला सा है वो सी पे होगा, और सारे शुद्ध नोट अगर लगेंगे तो किस तरह से लगेंगे, सारे गम पदनी सा नी रप मगरे सा। अभी रिसेंटली मैंने एक गाना जो किया है गिटार में, उसका सैया जो कैलाश खेर का गाना है, वो सी से ही हम कर रहे थे। हीरे मोती मैं ना चाहूं, ये आपका सी में हो गया। अब अगर आपका कोई गाना डी में होता है तो डी में डी के नोट्स लगेंगे, डी आपका पहला जो डी नोट है वो सा होगा आपका, सा रे गा मा पा रे नी सा सा नी रा पा मा गा रे सा। अब डी का कोई अभी मुझ में कहीं, ये डी कॉर्ड बजा रहा हूं मैं, तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। तो ये आपका डी हो गया। कोई गाना ई में हो सकता है, सा रे गा मा पा रे नी सा नी दा पा मा गा रे सा। तो फंडा आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपका कोई गाना ई मेजर स्केल में है तो ई जो है उसका सा होगा, और अगर ई को आप किसी गिटार में, कीबोर्ड में प्ले करते हैं और उसके साथ अपना थोड़ा साउंड हमिंग करके, साउंड मैच करके उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो वो आप इजीली समझ जाएंगे, सा रे गा मा पा रे नी सा नी दा पा मा गा रे सा। जो नैना करूं बंद बंद बह जाए बूंद बूंद, तड़पाए रे क्यों सुनाए गीत मलाई।
तो ये मैं ई मेजर कॉर्ड बजा रहा हूँ। इसी तरह आपके सारे स्केल होंगे। एफ में एफ होगा आपका स्केल, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग प म ग रे सा। फिर आपका जी होगा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग प म ग रे सा। उसके बाद आपका ए होगा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग प म ग रे सा। फिर आपका बी होगा, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग प म ग रे सा। तो ये आपके नोट्स मैंने आपको बजा के दिखाए हैं सरगम के हिसाब से। तो मैं अब आपको थोड़ा सा बात करता हूँ डिटेल में इनके बारे में। तो अभी कीबोर्ड से ऊपर की तरफ आते हैं। तो ये मैंने आपको बताए नोट्स कीबोर्ड में, जो आपको समझ आए होंगे कि किस तरह स्केल में नोट एक नोट से अगले नोट्स का जो डिस्टेंस है, और सबसे ज़रूरी क्या है। जो सबसे ज़रूरी है वो है ईयर ट्रेनिंग। बिना इसके आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप स्केल्स की प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार प्रैक्टिस करने से आपके कानों में जो साउंड जा रहा है उसका, वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होता है। और जब है जब आपको कोई गाना निकालना होता है तो वो आपका काम करता है। ये तो हो गए आपके स्केल्स। जब आपको स्केल्स की समझ होती है, जब आप उनको प्ले करना सीख जाते हैं, तो फिर आप सुन के ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये गाना किस स्केल में फिट आ रहा है। आपने स्केल उसका फाइंड कर लिया, आपने स्केल उसका ढूंढ लिया, तो उसके बाद आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आपका जो पूरा गाना होगा वो उन्हीं स्वरों के अंदर होगा। आपको कोई टेंशन नहीं उसके बाद रहती है, क्योंकि जब आपने स्केल डिसाइड कर लिया कि ये इसमें फिट आ रहा है, ना इस तरह से आपने नोट्स फिर उसके मैच कर लिए, सारे नोट्स में कॉम्बिनेशन आपने मैच कर लिया और डिसाइड कर लिया कि ये स्केल है, तो उसके बाद आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। ना उसका लीड मुश्किल होगा, ना कॉर्ड मुश्किल होंगे आपके लिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है स्केल। फिर उसके बाद वो जो नोट्स हैं उन्हीं में से हम कॉर्ड डिसाइड करते हैं। तो आपका अगर सी है, अगर आपका सी स्केल है, तो सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग प म ग रे सा। अब इसमें जो नोट मैंने बजाए हैं उन्हीं में से कॉर्ड्स बनेंगे आपके। तो अगर आपको स्केल पता लग गया तो आपको कॉर्ड पता लग गए, आपको नोट्स भी पता लग गए। तो यह है तरीका आपका बेसिक जब स्केल्स आप समझ जाते हैं। अब आता है कि कैसे। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, स्केल्स की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो प्रैक्टिस करते करते आपकी ईयर ट्रेनिंग इतनी हो जाएगी कि कोई गाना आप सुनेंगे तो इजीली आप उसे रिलेट कर पाएंगे, स्केल उसका मैच कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। और यही ट्रेनिंग है। बिना ट्रेनिंग के, बिना ईयर ट्रेनिंग के कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। कोई अगर कहे आपको कि ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, उसके पीछे थोड़ी बेसिक समझ ज़रूरी है। ऐसा भी होता है कई लोग सीखते नहीं है म्यूज़िक, बट बाय ईयर, वो भी बाय ईयर ही काम करते हैं बिना सुने। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो आपको एक्चुअल उसका जो ट्यून है, जो फील है, वो नहीं समझ आएगा। तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसे ध्यान से सुने और फिर अपना जो भी जितनी भी आपको समझ है गिटार की या किसी इंस्ट्रूमेंट की या सिंगिंग की, फिर उससे अपने को मैच करें अपना साउंड, चाहे वो गिटार का हो या चाहे सिंगिंग का हो, और उसको समझने की कोशिश करें। पहले उसको तसल्ली से, आराम से उसको समझें, सुने, एकदम से हड़बड़ाहट में फटाफट फटाफट गाना, पहले आपको गाना सुनना। मैं भी कई बार ये गलती करता हूँ कि गाना ठीक से नहीं सुनता, बट फिर उसका नुकसान भी होता है कि उतना अच्छा नहीं आता है। तो आपको सबसे पहला काम है कि गाने को इतना अच्छे से सुनिए कि वो आप ईजिली कोई नोट बजाएं तो आप बिना उस गाने को प्ले किए अपने माइंड से ये डिसाइड कर पाएं कि ये वैसा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं, बिना सॉन्ग प्ले किए हुए आपको खुद डिसाइड करना है कि जो मैंने प्ले किया ये वैसा साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इतना आपको टाइम मिनिमम देना होगा। साउंड के जो स्केल्स हैं उनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको उनका स्वरों का जो डिस्टेंस है वो पता लगेगा, और मेलोडी आप फट से उसकी
कॉपी कर पाएंगे या प्ले कर पाएंगे या ढूंढ पाएंगे किसी भी सॉन्ग की। और वही मेन चीज़ है, कॉर्ड्स और लीड कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसके बाद सब इजी है। पहले है स्केल, तो सबसे पहले आप अच्छे से गाने को सुनिए और फिर अपना उसको आप ढूंढ पाएंगे इजीली। तो यही है और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा आपको चलते चलते कुछ सुना देता हूँ। कैसा लगा आपको मेरा ये ट्यूटोरियल? अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।